नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक समिति के पद पर काम करने के निर्देश दिए हैं। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि झारखंड में 56 सीटों के साथ इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बात करते हैं बिहार की। बिहार में हुए उपचुनाव में बीजेपी और जदयू ने आरजेडी से 2 और माले से 1 सीट छीन ली है। चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह भाजपा की आखिरी जीत है, इसके बाद बीजेपी नहीं जीतेगी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को गुमराह किया है, लेकिन बिहार में उनकी वही हश्र होगा जो झारखंड में हुआ है। तेजस्वी यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक संतोष कुमार ने अपने समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण की। संबोधन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड जीते हैं, बिहार भी जीतेंगे, बिहार बदलाव चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में एक भ्रष्टाचार में तो दूसरा अपराध में लिप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार के लिए किए एक भी वादे को आज तक पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया है। कहा कि 11 साल पीएम रह लिए, लेकिन बिहार से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। आज बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा है और परेशान है। लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे पर भी हमला किया और कहा कि सरकार जनता को परेशान कर रही है। पटना के बापू सभागार में वक्फ संरक्षण एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार का समर्थन न करें। हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है, जिसमें कयामत तक संशोधन नहीं किया जा सकता। उन्होंने वक्फ को लेकर प्रधानमंत्री के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कल वह यह भी कह सकते हैं कि नमाज, रोजा, हक और जकात का उल्लेख संविधान में भी कहीं नहीं है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि जब 1857 में अन्य देश सो रहे थे, तब हमारे बुजुर्गों ने देश को गुलामी के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए आंदोलन शुरू किया था। 1857 में 33,000 से अधिक विद्वानों को फांसी पर लटका दिया गया था। हमारे बुजुर्गों की सोच थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों को एक साथ लाए बिना देश की आजादी नहीं मिल सकती है, इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई में सभी को शामिल किया और उसी रास्ते पर चलकर सफल हुए। उन्होंने देश में फैली नफरत की राजनीति पर गहरी चिंता जताई और कहा कि जब देश के पीएम और गृहमंत्री मुसलमानों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो दूसरे लोगों को जहरीले बयान देने से कौन रोक सकता है। उन्होंने असम के सीएम की ओर भी इशारा किया। अगर देश में कानून और संविधान का राज नहीं होगा और न्याय नहीं होगा, तो देश की एकता बिखर जाएगी। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक मोहल्ले में घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा खरमनचक स्थित नगर मॉल के ठीक सामने एक रेस्टोरेंट में हुआ। बताया जा रहा है कि एक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है, जहां पर देखा जा रहा है कि वहां 1 मिनट के अंदर पहले शॉर्ट सर्किट से आग भयावह हुई, उसके बाद गेट खोलकर आग बुझाने जा रहे 2 शख्स जब गेट के करीब पहुंचे तो घरेलू सिलेंडर विस्फोट हो गया। हादसे में एक की मौत मौके पर ही हो गई और दूसरे का इलाज के लिए ले जाने के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। मरने वाले की पहचान खरमनचक निवासी किशन कुमार
झुंझुनवाला और उसके पुत्र कन्हैया उर्फ प्रसून झुंझुनवाला के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। हादसे में आसपास के घरों में दरार भी आई है। लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर तक के इलाके में गूंजी। हालांकि समय रहते हुए पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचा दिया था, लेकिन घायल की जान नहीं बचाई जा सकी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। मंत्री टंकराम वर्मा को किसानों ने आवेदन देकर बताया कि ग्राम परथरा में लगे एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में धरने पर बैठे 63 दिन हो गए हैं। अधिकारी सहित क्षेत्रीय विधायक को भी फैक्ट्री के विरोध में आवेदन दिया गया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक भी धरने में शामिल हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस बीच पहुंचे थे, लेकिन आज तक फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, जिसके बाद 2 से 3 दिन हो गए हैं। फैक्ट्री में जाने वाले रास्ते में पंचायत के द्वारा खंभा गाड़ दिया गया है, जिससे किसी प्रकार कोई वाहन उस फैक्ट्री में नहीं जा सके। इसी बात की शिकायत किसानों ने मंत्री टंकराम वर्मा को आवेदन देकर गांव में प्रदूषण और लोगों को बदबू से छुटकारा दिलाने की मांग की है और फैक्ट्री को बंद करने के लिए निवेदन भी दिया है। वही मंत्री टंकराम वर्मा ने किसानों से मामले की जांच करने की बात कही है। रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन के तहत संत रविदास वार्ड नंबर 70 के सरोना क्षेत्र में सब्जी मंडी में कृष्णा पैराडाइज के समीप लगभग 6,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके अवैध बाउंड्री वॉल एवं टॉयलेट बनाए गए हैं। इस अवैध निर्माण को 3D और पोकलेन मशीन की सहायता से नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग एवं निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता द्वारा अभियान चलाकर तोड़ा गया है और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेप पीड़िता महिला ने सीएम के काफिले के सामने बैठकर जमकर हंगामा मचाया। रेप पीड़िता महिला ने आरोपी के द्वारा किए गए मारपीट पर रिपोर्ट न लिखे जाने और कार्यवाही में देरी करने की शिकायत की है। करीब 15 मिनट तक सीएम काफिले को रोककर महिला हंगामा करती रही। इस दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने पीड़िता से बातचीत की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पीड़िता ने बताया कि जेल से लौटकर कथित रेप के मामले में आरोपी और उसकी पत्नी ने महिला को घर में घुसकर पीटा है। इस दौरान महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी ने उसके छोटे बच्चों के साथ भी घिनौनी हरकत की है। दूसरी तरफ बिलासपुर पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थी। एक दिन पहले महिला ने कलेक्टर कार्यालय जाकर निवेदन किया, तब जाकर रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन कार्यवाही अब भी नहीं हो रही है। यही वजह है कि महिला ने सीएम काफिले के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। पीड़ित महिला से मारपीट के वीडियो को प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छतरपुर में आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता में शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर के समूह ग्वाल नृत्य ने अपनी अग्रणी भूमिका के साथ परचम फहराते हुए पहला स्थान हासिल किया है। अब यह दल राज्य स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेने जाएगा। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरोज गुप्ता तथा युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर संगीता मुखर्जी के कुशल निर्देशन में तैयार किए गए बुंदेलखंड के पारंपरिक ग्वाल नृत्य की छतरपुर विश्वविद्यालय के मंच पर प्रस्तुति शुरू होते ही भारी धूम और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दर्शकों की जमकर सराहना बटोरी गई। ग्वाल नृत्य दल के सराहनीय प्रदर्शन को देखते हुए निर्णायक मंडल ने इसे पहला स्थान प्रदान कर राज्य स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी ने नृत्य दल को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया है।
बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। संभल में कल हुई हिंसा के बाद ताजा हालात बताते हुए मुरादाबाद के कमिश्नर ने कहा कि संभल के हालात कंट्रोल में है। हिंसाग्रस्त इलाके को छोड़कर दुकानें खुली हुई हैं, स्थिति सामान्य है। जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। एनएसए लगाने तक की कार्यवाही संभव है। संभल के सांसद और विधायक पुत्र को उकसाने में आरोपित किया गया है। नए लड़कों से ये काम कराया गया है जिनकी उम्र पढ़ने की है। इसी उकसावे में चार की डेथ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देसी बंदूक में इस्तेमाल होने वाले कारतूस का होना पाया गया है। पुलिस पड़ताल करेगी, मजिस्ट्रेट जांच भी होगी। इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। में जो जिस तरीके से पुलिस को साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें के अनुरूप हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसमें अभी तक कई सारे FIR हो चुके हैं, आगे भी होने की संभावना है। उसमें जो वहां के माननीय सांसद हैं उनको भी इस उकसाने के लिए इस पूरे उपद्रव को, जो माननीय विधायक है उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। और आगे अभी जांच चल रही है, CCTV कैमरे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनायासी की गई कार्रवाई थी कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में दूसरी बार ये सर्वे होने जा रहा था। कोर्ट में सबको अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध था, अगर उस कोर्ट में नहीं तो उसके ऊपर भी अदालतें, उस जगह पर बात करने का अवसर उपलब्ध था। इसके बावजूद चुना गया कि इस तरीके की हरकत की जाए जिससे वहाँ का माहौल बिगड़े। इसमें किसी को भी इसमें मैं बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आगे जैसी जैसी परिस्थितियां बनती जाएगी, जांच आती जाएगी, यहां तक कि हम उनके ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं जो इस मामले में अफवाह फैला रहे हैं। संभल कोतवाली क्षेत्र में जामा मस्जिद है, साथ ही इसको लेकर 19 नवंबर को एक रेड जारी की गई थी। उसमें बताया गया कि 1529 के लगभग यहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसी को लेकर कोर्ट ने मुकदमा सुना और आदेश दिया कि इसका सर्वे किया जाए। उसके तहत सर्वे भी हुआ, टीम पहुंची, शाम के सर्वे हुआ और वह जो है कल फिर दोबारा सर्वे हुआ, सुबह के टाइम सर्वे हुआ। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिला प्रशासन था वह जो है तैयार था सर्वे कराने के लिए। यहाँ पर जो 5 थाने की पुलिस लगी हुई थी। यहाँ जो स्थिति जो है, लोग जो है सर्वे का विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया। अब देखना, ये शुरू कर दिया तो लोग जो है ऐसा विरोध किया लोगों ने कि यहाँ पर जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई। साथ ही DM और SP ने खुद मोर्चा संभाला और लोगों को समझाया, जिसमें जो है 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही यहाँ जो स्थिति है इस समय सामान्य है। लोगों को हिरासत में लिया गया है, लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। CCTV कैमरे फुटेज वगैरह ड्रोन कैमरे से इसमें पिक्चर ली गई है, उसके आधार पर यहाँ पर जो है जो कार्रवाई है जो की जा रही है। साथ ही लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि कौन ऐसे दंगाई थे जो लोगों को बलगड़ा रहे थे, लोगों को जो है जिसकी वजह से ये। लेकिन यहाँ पर जो है सांसद जी और रहमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, विधायक के पुत्र के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन यहाँ पर दुकानें खुली हुई है, सामान्य साप्ताहिक बाजार बंद होने के कारण भी यहाँ पर बाजार हुए। यहाँ पर फिर पुलिस जो है यहाँ पर विश्वास में लोगों को ला रही है कि यहाँ पर ऐसा आगे नहीं होगा। मैं चरण सिंह कैमरा पर्सन के साथ APN संभल। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी ने सोमवार महाराजगंज जिला कारागार में अपने पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की। इस दौरान नसीम सोलंकी अपनी दोनों बेटियों और कानपुर के 2 विधायकों मोहम्मद हसन रोमी कानपुर कैंट और अमिताभ वाजपेयी कानपुर आर्यनगर के साथ मौजूद थी। पिता इरफान सोलंकी से मिलकर दोनों बेटियों के आंखों में आंसू छलक गए। मुलाकात के दौरान इरफान सोलंकी ने सीसामऊ जनता को पैगाम भिजवाया कि वो मेरे लिए दुआ करें, मैं जल्दी आपके बीच आ जाऊंगा। दरअसल इरफान सोलंकी पर आगजनी और अन्य गंभीर आरोप हैं जिसके कारण वे इस समय महाराजगंज जिला कारागार में बंद हैं। उनकी सजा के बाद सीसामऊ विधानसभा से उनकी विधायकी चली गई थी। इसी सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की है। सोमवार को पहली बार अपनी जीत के बाद नसीम सोलंकी ने महाराजगंज जिला कारागार में जाकर अपने पति से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नसीम सोलंकी और उनके साथ आए विधायकों ने इरफान सोलंकी से लगभग आधे घंटे तक की बातचीत की। इस दौरान पारिवारिक मामलों के अलावा इरफान के कानूनी मामलों और उनकी वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की गई।
विधायक मोहम्मद हसन रोमी और अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि यह मुलाकात पूरी तरह से व्यक्तिगत थी और उन्होंने इरफान सोलंकी के हालचाल जानने के लिए उनसे संपर्क किया था। साथ ही कानूनी मामलों पर भी विचार विमर्श किया गया है। रुहेलखंड का और प्रमुख समाजवादी नेता मां बेटी के यौन शोषण के मामले में फंस गया है। बदायूं के प्रमुख सपा नेता एवं कारोबारी खालिद परवेज पर महिला से लंबे समय से रेप और उसकी 11 साल की मासूम बेटी से छेड़छाड़ कर जबरन निकाह को दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अभिनय की दुनिया में भी सक्रिय रह चुका यह वही सपा नेता है जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज चल रहे हैं। फरार चल रहे खालिद परवेज को पकड़ने के लिए बदायूं पुलिस ने उसके सिर पर इनाम भी घोषित कर रखा है। बदायूं की रहने वाली पीड़ित मां बेटी ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर आरोपी समाजवादी नेता खालिद परवेज पर कार्यवाही की गुजार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसकी बहन को सपा ने खालिद परवेज की पत्नी है, वह बहन से मिलने उसके घर गई थी तो वहां खालिद परवेज और उसके नौकर बबलू ने उसको बंधक बना लिया। खालिद परवेज कई महीने बंधक बनाकर उसका रेप करता रहा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण के दौरान गौ सेवा की और जनता दर्शन कार्यक्रम से लोगों की समस्याएं सुनी। मंदिर परिसर में उन्होंने गौशाला में गौवंश को चारा खिलाया और उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे जिनमें भूमि विवाद, आर्थिक सहायता और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामले शामिल थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा गोरखनाथ मंदिर में उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा है जो उनके जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यूपी के हमीरपुर जिले में खेतों में बुवाई का वक्त चल रहा है, ऐसे में किसानों को डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है। सरकारी खाद की दुकानों पर सैकड़ों किसान की दुकान खोलते ही भीड़ लग जाती है। खाद की जरूरत के बीच मुनाफाखोर प्राइवेट दुकानदार बड़े दामों में किसानों को खाद बेचकर कालाबाजारी कर रहे थे। ओवर रेटिंग पर खाद बेचे जाने की सूचना पर एसडीएम सदर ने छापा मारा और ओवर राइटिंग पर खाद बेचे जाने के मामले को लेकर प्राइवेट खाद दुकानदार पर कार्यवाही की। दरअसल करारा कस्बे के भोली रोड पर शिव कृपा ट्रेडर्स के नाम से खाद की दुकान है। दुकानदार किसानों की उमड़ती भीड़ देखकर निश्चित दामों से अधिक 1800 रुपए में दुकान आने वाले किसानों को खाद बेच रहा था। खाद पर ओवर रेटिंग की शिकायत पर एसडीएम सदर पवन पाठक ने खाद की दुकान पर छापा मारकर जांच की और किसानों से खाद के मूल्य के बारे में भी जानकारी ली गई। किसानों ने दुकानदार द्वारा 1800 रुपए प्रति बोरी बेचे जाने की शिकायत की है। खाद पर ओवर राइटिंग को लेकर सदर एसडीएम ने खाद दुकानदार पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में इन दोनों बुवाई का समय चल रहा है जिसको लेकर खाद दुकानदार कालाबाजारी कर किसानों को महंगे दामों में खाद बेच रहा था। रुक करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बीजेपी के अडानी के लिए रेड कारपेट बिछाया है, ये जनता का मत है। 2014 में भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, मोदी लहर में भी ऐसी स्थिति थी। ये लोग लाड़की बहन योजना को जीत का कारण बता रहे हैं लेकिन ये झांसा देने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक खेल हुआ है, जनता सवाल उठा रही है, लोगों को विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी से विश्वास नहीं है, लोकशाही पर लोग डर रहे हैं, किसान खुश नहीं है, महिला खुश नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों में रोष था, फिर भी इतनी सीट मिलना संदेह पैदा कर रहा है। लोग यही कह रहे हैं ये जीत लोगों ने नहीं दिलाई है, ईवीएम ने महायुति को जिताया है। लोकशाही पे अभी लोग डरने लगे हैं, यह जनता चिल्ला रही, हर क्षेत्र का लोग, चाहे वो इंजीनियर का हो, चाहे लॉयर हो, चाहे रूरल का हो, अर्बन का हो,
हर क्षेत्र का जो पॉलिटिकल कोई संबंध नहीं, वो भी आदमी इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। और इससे यही होता है कि आज महाराष्ट्र के किसान हैप्पी नहीं था, उसको दाम नहीं मिल रहा था, महिला परेशान थी, बेरोजगार यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ के इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट भगाया गया था बाहर स्टेट में गुजरात के तरफ, तो लोगों में एक रोष था सरकार के खिलाफ में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महायुति एक्शन मोड पर आ गई है। अब विधायकों में विपक्षी दल सेंध नहीं लगा सके, इसलिए महायुति ने खास प्लान बनाया है। कोल्हापुर जिले से चुने गए सभी महायुति के नवनिर्वाचित विधायकों को खास चार्टर्ड प्लेन से मुंबई ले जाया गया है। मुंबई के ताज लैंड होटल में सभी विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र समेत कोल्हापुर से चुने गए महायुति के 8 और 2 निर्दलीय विधायक को भी इस चार्टर्ड प्लेन से आज सुबह मुंबई ले जाया गया है, जिनके साथ कोल्हापुर के 2 सांसद और 1 पूर्व सांसद भी शामिल है। बात करते हैं हरियाणा की। गुरुग्राम के गांव शिकोहपुर के 52 वर्षीय व्यक्ति को कमेटी डालना उस समय महंगा पड़ गया जब उसकी 10 लाख की कमेटी निकली। उसने कमेटी डालने वाली महिला मित्र से पैसों की मांग कर डाली। इस पर कमेटी डालने वाली महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर 52 वर्षीय व्यक्ति को जहर खिलाकर हत्या कर डाली और शव को रेवाड़ी नारनोल रोड पर फेंक कर फरार हो गई। गुरुग्राम पुलिस ने 52 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के जुर्म में 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो एक व्यक्ति ने थाना मानेसर में शिकायत दी कि उसके पिता राजेंद्र गांव शिकोहपुर से कार में सवार होकर आईएमटी मानेसर सेक्टर 1 में स्थित पीजी पर गए थे, जो सुबह तक घर वापस नहीं आए। जब वह अपने पिता राजेंद्र को ढूंढने के लिए गए तो आईएमटी चौक से हाईवे की सर्विस लाइन पर उसके पिता की कार खड़ी मिली। कार लॉक थी और उसके पिता लापता थे। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के जुर्म में महिला सुषमा सीमा और उसके सहयोगी अनिल को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।